मानहानि केस में अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए हैं। राहुल ने कोर्ट में बयान दर्ज करा दिया है। राहुल ने अपने ऊपर लगे जो आरोप है उससे इनकार कर दिया, उसे खारिज किया है। राहुल ने कहा है कि राजनीतिक एजेंडे के तहत उन्हें फंसाया गया। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। राहुल पर गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी का आरोप है और यही वो मानहानि का केस है जो आज जिसके तहत पेश हुए राहुल गांधी और अपना बयान दर्ज करवाया। माननीय राहुल गांधी जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ आज बयान मुलजिम दर्ज करने हेतु नियत था। माननीय राहुल जी आए न्यायालय में समय के मुताबिक, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। संसद चल रही थी और संसद सत्र के समय को छोड़ करके उन्होंने अपना बयान दर्ज कराने आए और न्यायालय में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। मुकदमे में अगली सुनवाई 12/8/2024 अभियोजन साक्ष्य के लिए नियत की गई है। तो बयान जो दर्ज कराया उन्होंने, तो उसमें क्या वो माने कि उन्होंने जो बयान दिया था जो कहा जा रहा है? उन्होंने कहा, माननीय राहुल जी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं इससे मैं इनकार करता हूं और ये सारे आरोप जो लगाए गए हैं ये राजनीतिक दुर्भावना से मुझको और मेरी पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए लगाए गए हैं। तो ये कलमबंद बयान था क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड वो कलमबंद ही आप उसको समझ सकते हैं। वो न्यायालय रिकॉर्ड करती है उस स्टेटमेंट को जी। अगली सुनवाई जो वो 12 अगस्त को, 12 अगस्त को अगली सुनवाई साक्ष्य के लिए है। अभियोगी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, मेरे द्वारा उसे प्रतीक्षा की जाएगी। बाकी जो नतीजा होगा भविष्य में आपको सूचित किया जाएगा। तो वकील की तरफ से बताया गया कि कोर्ट में आज क्या हुआ। बहरहाल, हमारे साथ और ज्यादा डिटेल में जानकारी देने के लिए सुल्तानपुर से रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़ चुके हैं। पंकज जी, एक तरफ तो राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा मैं निर्दोष हूं, ये कहा गया कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में अपने बयान को लेकर राहुल गांधी ने कोर्ट को क्या बताया है? देखिए, पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था और आपको बताऊं कि जैसे कोर्ट में पेशी के लिए आए तो चारों तरफ उनके स्वागत में होर्डिंग बैनर तक लगे हुए थे। मतलब, और जब वो अंदर गए, मुश्किल से 10 मिनट का समय लगा एमपी एमएलए कोर्ट में। और जो कहा जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान उन्होंने तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष जो अब गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके खिलाफ बयान दिया था, तो उन्होंने कहा उन पर जो भी आरोप लगे वो निर्दोष हैं। राहुल गांधी वो कह उन्होंने कहा मैं बेकसूर हूँ कोर्ट के सामने, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, और कहा जो भी उनके उन पर आरोप लगे हैं वो राजनीतिक रूप से दुर्भावना के तहत उनके खिलाफ ये साजिशन किया गया है। कोर्ट ने उनके बयान को रिकॉर्ड कर लिया है और 12 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, लेकिन उसमें राहुल गांधी को अब अपने खुद व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा कोर्ट में। जी, शुक्रिया पंकज जानकारी देने के लिए। तो महत्वपूर्ण बात पंकज झा बता रहे थे, राहुल गांधी की पेशी से जुड़ी हुई, उन्होंने जो बयान दर्ज करवाया है आज कोर्ट में उसके तहत क्या हुआ है।